hello students i am bharti tandon and you are watching study science in this video we will read the chapter number 3 atoms and molecules of class 9th science around 500 bc an indian philosopher maharshi kant had postulates that matter is divisible that is if we go on breaking matter वी विल गेट द स्मॉलर एंड दार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली फर्दर डिड दीज आर कोल्ड एज दरमाणु फाइव 500 वी सी के दौरान एक इंडियन फिलोसफर महर्षि हुए उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो डिविजिबल होता है और जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटता है और अल्टीमेटली ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम परमाणु कहते हैं ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड एशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेट्स एंड लूसीपर्स फॉरवर्ड सेम आइडिया एंड दे कोल्ड स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड दो एशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेट्स एंड लूसीपस हुए जिन्होंने भी यही आइडिया जो था दिया था उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है वो डिविजिबल होता है और जब वो टूटता है तो इंडिविजिबल पार्टिकल्स में टूटता है और उन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने एटम्स दिया ड्यूरिंग द सेम एरा एंड इंडियन फिलोसफर कात्यायम दुजेस्टेड डेट द एटम्स मे नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट बट मे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ स्पीसी कोल द मोलिक्यूल्स और कंपाउंड ड्यूरिंग द सेम एरा एक इंडियन फिलोसफर पाकुदा कात्यायम हुए उन्होंने कहा कि एटम फ्री एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन साथ साथ में वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ एक केसेस में और वहाँ पे जब वो कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं लुक एट दिस फिगर हमने यहाँ पे मैटर लिया है हमें पता है कि मैटर जो है वो डिविजिबल होता है तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलते हैं जब हम उन पार्टिकल्स को भी तोड़ते हैं तो हमें और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते हैं और अल्टीमेटली जब हम उनको ब्रेक करते रहते हैं तो हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जो इनडिविजिबल होता है और उस पार्टिकल को कहते हैं एटम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स और मोलिक्यूल्स एज मैटर मे कंटेन सेम टाइप ऑफ द एटम्स और द मोलिक्यूल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स और मोलिक्यूल्स जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है या तो वो एटम्स होते हैं या फिर मोलिक्यूल्स होते हैं जो मैटर होता है उसमें सेम तरह के एटम्स और मोलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स और मोलिक्यूल्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एज एटम हीलियम एटम दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर एंड एज मोलिक्यूल्स वाटर एन ए सी एल तो ये जो वाटर है और सोल्ट है वो एक मैटर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो है वो प्रेजेंट है नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट एन एलिमेंट इज ए एटम्स एलिमेंट कम्बाइंड टू फॉर्म द दूंस जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरह का सप्टानस होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल, सोडियम गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा अगर हम सोडियम या गोल्ड या सिल्वर लेते हैं तो इनमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर है अगर हम सिल्वर को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें सिल्वर एटम ही मिलेंगे जितने भी ये एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम ही होगी सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड एलिमेंट इज एन एटम

आपके सिलेबस में दो लॉज ऑफ केमिकल कंबिनेशन दिए हुए हैं फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट परपोर्शन और लॉ ऑफ द डेफिनेट परपोर्शन नाउ फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटीनो लोवेसी इन 1774 जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एंटीनो लोवर्सी ने 1774 में दिया है नाउ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल रहता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर एग्जाम्पल इफ हंड्रेड ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री इज हीटेड इट गिव्स फिफ्टी सिक्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सी एंड फोर्टी फोर ग्राम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू द रिएक्शन अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर हम हंड्रेड ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो हमें फिफ्टी सिक्स ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और फोर्टी फोर ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है अब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नाउ मास ऑफ द इज CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम नाउ टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड था 56 ग्राम और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम अब हम इनको जब टोटल करते हैं तो वो 100 ग्राम आता है दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट

एक तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है विच कम्बाइन टूगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन और जब वो कम्बाइन करते हैं तो एक फिक्सड प्रपोर्शन में भी वो कम्बाइन करते हैं बाय द मास एंड वॉल्यूम वॉल्यूम और मास के बेस पर एंड इट इज़ इक्टिव ऑफ द मैथड ऑफ प्रिपरेशन लेकिन ये मैथड ऑफ प्रिपरेशन से फ्री होता है फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट बाय बर्निंग द चारकोल इन एयर अगर हम चारकोल को एयर में बर्न करते हैं तो तो हमें सी ओ टू मिलता है सेकेंड बाय हीटिंग लाइम स्टोन अगर हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम हम ऑक्साइड तो और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बाय बर्निंग ऑफ द मीथेन अगर मीथेन को हम जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है इट इज़ फाउंड दैट इन ईच केस सी ओ टू इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन नाउ इन तीनों केसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेम ही एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन विच कंबाइन टूगेदर इन ए फिक्सड रेशो और ये जो कम्बाइन करते हैं वो एक फिक्स रेशो में ही कम्बाइन करते हैं बाय द मीन ऑफ द देयर मासिस नाउ हेयर इज द कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू कार्बन का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व यू एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है सिक्सटीन यू यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के टू लिए हैं दैट मीन्स टू इंटू सिक्सटीन थर्टी टू कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है वो ट्वेल्व रेशियो थर्टी टू है अगर हम फोर से इसको डिवाइड करते हैं तो थ्री रेशो एट आता है इन तीनों केसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसका जो रेशो होगा थ्री रेशो एट थ्री रेशो एट थ्री रेशो एट ही आएगा विच प्रूव द लॉ ऑफ द दर्पोर्शन नेक्स्ट टॉपिक इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन इन एटीन जीरो पार्टिकल्स कोल द एटम जितने भी मैटर होते हैं बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उनको एटम्स कहते हैं एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन एटम जो होते हैं वो इंडिविजल पार्टिकल्स होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो वो बनाए जाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है थर्ड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी एटम्स होते हैं एक ही तरह के एलिमेंट के उनके जो मासिस होते हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो आइडेंटिकल सेम होती है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासिज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेकिन जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके जो एटम्स की मासेज होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम नहीं होती है जैसे कि जो सोडियम एटम है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका मास जो है एलमिनियम एटम के मासिस और केमिकल प्रॉपर्टीज से मेल नहीं खाएगा फिफ्थ एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कम्पाउंड आइटम्स कंबाइन करते हैं होल नंबर में टू फॉर्म द कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल वाटर एच टू ओ इसका जो रेशो है टू रेशो वन निकलता है कभी भी आपने एच जीरो पॉइंट फाइव ओ नहीं देखा होगा एच टू अपॉन्ट थ्री ओ नहीं देखा होगा एच टू सिक्स फाइव ओ कभी नहीं उसी तरह से सी ओ टू का जो रेशो है वन रेशो टू होता है और कभी भी सी ओ ज़ीरो पॉइंट थ्री आपको नहीं मिलेगा सी ओ फाइव टू सिक्स आपको इसमें भी नहीं मिलेगा सी ओ थ्री अपॉन फाइव इस कंडीशन में भी सी ओ टू आपको नहीं मिलेगा तो, तो जो एटम्स होते हैं रोल नंबर में ही कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं सिक्स वन द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ द एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड जो भी रिलेटिव नंबर होता है या फिर उनकी जो टाइप्स होती है एटम्स की वो एक गिवन कंपाउंड्स में कांस्टेंट रहता है सिक्स पॉइंट जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दर्शाता है नाउ लिमिटेशन एंडल्ट थ्योरी फर्स्ट एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल एज इट हैज द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन एटम को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे हम नहीं लेते हैं क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये एक ड्रावेक्ट था डोल्टन एटोमिक थ्योरी का सेकेंड मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ द एटम्स मे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो भी सप्टानसिस एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं तो उनके एटम्स उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है जैसे कि कार्बन के क्योंकि कार्बन हमें जो है एलोट्रोप फॉर्म में मिलता है थर्ड वन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव द डिफरेंट मासज एक ही तरह के एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन जिसका जो एटोमिक मास है वो थर्टी फाइव और थर्टी सेवन होता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द डिफरेंट मास नंबर आर कोल्ड द आइसोटोप फोर्थ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम कैल्शियम एंड पोटेशियम इनका मास नंबर जो है वो फोर्टी है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर आर कोल्ड द दीज आर द सम ड्रावेक्ट्स ऑफ द डॉल्टन एटोमिक थ्योरी नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वट इज एन ऐटम एटम क्या होता है एटम ऐटम जो होता है वो सफेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम ही होती है मे और मे नोट एग्जिस्ट इंडिपेंडली या तो वो इंडिपेंडली एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एच टू कम्बाइंड फॉर्म में हमें मिलता है नाउ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो भी एटम ही है नाउ एटम वो पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट या किसी भी मैटर का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करता है नाउ साइजिज आर एक्सप्रेस्ड इन रेडियाई डेट इज़ कोल्ड एज द एटोमिक रेडियाई एटम बहुत ही स्मॉल होता है और उसके साइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम रेडियाई को यूज़ करते हैं और रेडियाई को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं एटॉमिक रेडियाई को हम एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर में और वन नैनोमीटर इज़ इक्वल टू द टेन रेज पावर माइनस नाइन मीटर के बराबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है इसका रेडियस जो है वो जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन नैनोमीटर होता है दिस इज़ ऑल अबाउट द एटम नाउ सिंबल ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट सिंबल इज़ ए शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट सिंबल्स आर स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक जो सिंबल होता है वो बहुत ही शॉर्ट मेथड होता है किसी भी एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करने का जो ये सिंबल्स होते, है, होते हैं वो स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक होते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट टू सजेस्ट द स्पेसिफिक सिंबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट वाज डॉल्टन जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सुजेस्ट किया था कि एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक सिंबल देना चाहिए वो डाल्टन थे नाउ हेयर आर द सम सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट विच आर गिवन बाय द डाल्टन्स डाल्टन सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट डाल्टन्स ने बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल दिए जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन मरकरी फोस्फोरस सल्फर गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड आयरन प्लेटिनम पर ये जो सिंबल उन्होंने दिए थे उन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल था और अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं तो हम उसको इन सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते थे तो ये जो सिंबल्स थे ये बाद में कैंसिल कर दिए गए इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया विट सुजेशंस फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विट सुजेस्टेड ए मोर साइंटिफिक मैथड टू नेम एनी एलिमेंट बाई यूजिंग वन और टू लेटर्स फ्राम द नेम ऑफ द एलिमेंट जो नेक्स्ट सिम्बल्स जो एलिमेंट्स के दिए थे वो वेडजेलियस ने दिए थे और उन्होंने एक स्पेसिफिक साइंटिफिक मैथड दिया था किसी भी एलिमेंट का नाम हम उसी के ही नेम के एक या दो लेटर्स को लेकर दे सकते थे आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसे हम आई यू पी ए सी भी कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव्ड करते हैं यहाँ पे कुछ एक रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं नाउ फर्स्ट रूल इज़ इफ द सिम्बल हैज़ वन और टू लेटर देन द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर अगर किसी एलिमेंट के सिम्बल में एक या दो लेटर्स हैं तो जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा जैसे कि हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन में हम सिर्फ एक ही लेटर ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो एच है उसे यूज करेंगे और वो कैपिटल लेटर में होगा दूसरी तरफ जब हमने अल्मूनियम लिया तो अल्मूनियम का ए जो है वो कैपिटल लेटर में होगा और जो एल है वो स्मॉल लेटर में होगा सिम्बल ऑफ द सम एलिमेंट्स आर फोम फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम कुछ एक एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होंगे उसमें हम पहला लेटर लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वन लेटर जो आ रहा है उसे हम लेंगे जैसे कि जिंक में जेड और एन जो है हम यूज़ करते हैं और क्लोरीन में सी और एल जो है यूज़ करते हैं थर्ड रूल सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन जर्मन और ग्रीक कुछ एक एलिमेंट्स के सिम्बल्स जो हैं वो उनके लैटिन ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज से लिए गए हैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हमारे पास एंटीमोनी कॉपर गोल्ड आयरन लेड मरकरी पोटाशियम सिल्वर सोडियम टिन हैं जिनके लैटिन नेम जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं और इनके जो सिंबल्स हैं वो जो उनके लैटिन नेम थे उनमें ही लिए गए हैं जैसे कि हम आयरन को आई आर ओ एन लिखते हैं और यहाँ पे जो लैटिन नेम है इसका फेरम है तो एफी दिया गया है नाउ सोडियम है टिन वर्ल्ड में इसको नाइटेरियम कहते हैं तो इसका जो सिंबल है वो एन ए दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास एटॉमिक मास को लर्न करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के न्यूट्रॉन और प्रोटोन को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं

वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है इन 1961 सिक्सटी हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट यू टू एक्सप्रेस द एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आई यू पी ए सी इन नाइनटीन सिक्सटी वन में उन्होंने एटोमिक मास यूनिट यू को एज ए यूनिट यूज़ किया था एटोमिक एंड मोलिकुलर मास को डिनोट करने के लिए नाउ द एटोमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मास इक्वल टू वन अपॉइंट ट्वेल्व ऑफ मास ऑफ एन ऐटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटोमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए इसकी जो डेफिनेशंस है आई यू ए पी सी ने दी है वो है द क्वांटिटी ऑफ द मास जो क्वान्टिटी है किसी भी एटम के मास की वो इक्वल टू होगा वन अपॉइंट ट्वेल्व ऑफ मास ऑफ एन ऐटम ऑफ कार्बन ट एम यू और यू इज इक्वल टू वन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टवेल्व तो वन ए एम यू की जो वैल्यू है वो वन अपॉइंट ट्वेल्व इंटू एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व के बराबर होगी वन यू की वैल्यू जो है वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम होती है आपने ये वैल्यू जो है वो याद रखनी है अगर इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको याद नहीं हो रही है तो आप इतनी चीज़ याद रखिए जो एटॉमिक मास होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे तब भी आप एटोमिक मास जो है किसी भी एटम का निकाल सकते हैं हे आर आर द सम एलिमेंट्स एंड देयर एटोमिक मासिस हाइड्रोजन का एटोमिक मास वन यू होता है कार्बन का ट्वेल्व यू नाइट्रोजन का फोर्टीन यू ऑक्सीजन का सिक्सटीन यू सोडियम का ट्वेंटी थ्री यू मैग्नीशियम का ट्वेंटी फोर यू सल्फर का थर्टी टू यू क्लोरिन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यू एंड कैल्शियम का फोर्टी यूटम एग्जिस्टेंस एटम जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ़ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट कुछ एक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ओनली द एटम्स ऑफ द नोबल गैसेज सचेज द हीलियम न्योन आर्गोन क्रिप्टोन जीनोन एंड रेडोन आर कैमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज सिंगल एटम सिर्फ नोबल गैसेज के जो भी एटम्स होते हैं जैसे कि हीलियम नियोन, आर्गोन क्रिप्टोन जीनोन एंड रेडोन वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और वो सिंगल स्टेज में फ्री स्टेज में एडजिस्ट करते हैं एटम्स ऑफ द ऑल द अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मोलिक्यूल्स और आइंस दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म द मोलिक्यूल्स और आइंस एटम होता है वो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पीसीज होती है जो आयन बनाता है और मॉलिक्यूल बनाता है जो आयन होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है और लेट एस डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स डेट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो होता है दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है और केमिकली जो है ये बॉन्डेड अप होते हैं अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सप्टांसी जो मोलिक्यूल होता है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हम उसे कह सकते हैं एक्सेप्ट एलिमेंट के क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो प्योर फॉर्म में होगा जबकि मोलिक्यूल्स जो है सेम ऐटम से भी बन सकता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऐटम के कम्बिनेशन से भी बन सकता है नाउ जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कैपेबल होता है और वो उस सब्सटेंसेस की सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है फॉर एग्जांपल H2O इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एच है और जो एच है वो एक मोलिक्यूल है और ये वाटर की सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है और मोलिक्यूल्स द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन दिस मोलिकूल कैन बी कैटेगराइज टू कैटेगरी ये मोलिक्यूल जो होता है वो सेम एटम से या डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं इसके बेस पर हम मोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज द होमो एटोमिक मोलिक्यूल्स कंटेनिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट के एटम्स अगर कंबाइन करते हैं तो हम उनको होमो ऐटोमिक मोलिक्यूल्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओजोन सल्फर फोस्फोरस एक्सेट्रा अब हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन हैं तो मतलब कि दो एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और हाइड्रोजन बना रहे हैं ऑक्सीजन में दो ओ एटम्स प्रेजेंट हैं और वो कंबाइन करके ऑक्सीजन बना रहे हैं ओजोन में तीन ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है और तीनों जो है कंबाइन करके ओजोन बना रहे हैं किसी एलिमेंट के एक ही तरह के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो होमो एटोमिक मोलिक्यूल्स बनाते हैं सेकेंड वन इज द हिट्रो एटोमिक मोलिक्यूल्स और द कंपाउंड दैट इज कंटेनिंग एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हिट्रोमीन्स डिफरेंट एटोमिक मोलिक्यूल्स डैट मीन्स कि डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं अगर वो कंबाइन करते हैं तो वो हिट्रो एटोमिक मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में दो हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दो एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो रहा है और सोडियम क्लोराइड में भी हो रहा है सोडियम में एक सोडियम और क्लोरीन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि दो एलिमेंट्स के एटम जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और वो कंपाउंड बना रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कोल्ड इट्स एटोमिसिटी किसी एक एलिमेंट के मोलिक्यूल्स में कितने एटम प्रजेंट है वो उसकी एटोमिसिटी को बताते हैं फॉर एग्जाम्पल आर्गन आर्गन का फॉर्मूला ए आर होता है और इसकी एटोमिसिटी जो है मोनो एटोमिक है डैट मीन्स आर्गन में सिर्फ एक ही एटम जो है वो प्रजेंट है नाउ हीलियम, हीलियम का एच ई फॉर्मूला होता है इसमें भी मोनो एटॉमिक होता है डैट मीन्स एक ही एटम प्रजेंट है नाउ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम प्रजेंट होते हैं डैट मीन्स इट इज़ ए डाई एटोमिक इसमें दो एटम्स प्रजेंट होते हैं तो हम इसको डाई एटोमिक बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं सो हम इसे एटॉमिक कहते हैं फोस्फोरस फोस्फोरस में वो फोर एटम्स जो हैं फोस्फोरस के प्रेजेंट होते हैं सो इट इज कोल्ड एज द टेट्रा एटोमिक सल्फर सल्फर में एट एटम्स जो हैं सल्फर के प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इन्हें पोली एटोमिक कहते हैं केमिकल फॉर्मूला इट इज द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला क्या होता है केमिकल फॉर्मूला जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन की नाउ व्हाट आर द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द केमिकल फॉर्मूला द वैलेंसी और द चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस भी वैलेंसी होती है या चार्ज होता है किसी भी आयन पर उसको बैलेंस करना जरूरी होता है वहन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सिम्बॉल ऑफ द मेटल कम्स फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल सी एन ए सी एल सी यू ओ जब भी हम कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो अगर उसमें कोई मेटल और नॉन मेटल जो है कंबाइन करते हैं तो जो भी मेटल का सिंबल होगा वो पहले लिखा जाएगा जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ पे जो कैल्शियम या सोडियम या कॉपर है वो मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन सी और ओ है तो इसे हम बाद में लिखते हैं वेन पोली एटोमिक आइंस आर इन्क्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड अमोनिया सल्फेट अगर हम पोली एटोमिक आइंस की बात करते हैं तो जो आइन्स होंगे उनको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और उनका जो नंबर होगा वो होल नंबर में लिखेंगे जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं अगर हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को इस तरह से लिखेंगे डैट मीन्स जो टू है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही मल्टीपल कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ वो मल्टीपल नहीं कर रहा है इसलिए जो राइट right वे है लिखने का फॉर्मूला वो है सी ए ब्रैकेट ओ एच टाइस नाउ नेक्स्ट वन इज द रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फर्स्ट वी फर्स्ट राइट सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड सबसे पहले हम एलिमेंट्स की जो सिंबल्स होंगे उन्हें हम लिखेंगे बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे हम उसकी वैलेंसी को लिखेंगे नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम उसके बाद जो भी कंबाइनिंग एटम होगी उनकी जो बैलेंसी हैं उनको हम क्रॉस अप करेंगे विद द फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द सेकेंड एटम विद द सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटम जो फर्स्ट एटम होगा उसके साथ जो सेकेंड एटम की वैलेंसी होगी उसे लिखा जाएगा और जो सेकेंड एटम होगा उसके साथ फर्स्ट एटम की जो वैलेंसी होगी वो लिखी जाएगी हेयर आर द सम एग्जाम्पल सिम्बल्स हाइड्रोजन एंड सल्फर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वन और सल्फर की वैलेंसी होती है टू अब फर्स्ट जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके साथ हम सेकेंड वाले की जो वैलेंसी है उसको क्रोसअप करेंगे और जो सेकेंड वाला है उसके साथ फर्स्ट वाली वैलेंसी को हम क्रोसअप करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा एच टू एस वन और एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड सेकेंड एग्जाम्पल इज द कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फोर होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो टू होती है तो वी विल राइट हेयर सी टू ओ फोर अगर हम टू को कॉमन लेते हैं डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है सी ओ टू कार्बन डाई ऑक्साइड नेक्स्ट टॉपिक इज द आइंस एन आइन में हम डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कोई एटम या फिर एटम्स के ग्रुप जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयन कहते हैं सम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एन ने पॉजिटिव के पॉजिटिव सी ए टू पॉजिटिव ए एल थ्री पॉजिटिव सब नेगेटिवली चार्ज आयन सी एल क्लोराइड आइंस एस टू नेगेटिव सल्फाइड आयन ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन एसओ फोर टू नेगेटिव सल्फेट आयन जो आयन्स होते हैं वो वो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वी कैन क्लासीफाइन आयन इन टू टाइप्स सिंपल आइंस एंड कंपाउंड आइंस सिंपल आयन एम जी टू पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, एन ए पॉजिटिव सोडियम आयन सी एल नेगेटिव क्लोराइड आयन ए एल थ्री पॉजिटिव एलमूनियम आयन. सेकेंड वन इज़ द कंपाउंड आयन्स. फॉर एग्जाम्पल एन एच फोर पॉजिटिव अमोनियम आयन, सी ओ थ्री टू नेगेटिव कार्बोनेट आयन, एस ओ फोर टू नेगेटिव सल्फेड आयन, ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहाँ पे जो कंपाउंड आयंस हैं उसमें दो एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके आयंस बना रहे हैं जबकि सिंपल आयंस में हमारे पास एक ही एलिमेंट्स के एटम जो नाउ केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पोली एटोमिक कुछ एक आयनिक कंपाउंड्स के हम केमिकल फॉर्मूलेस बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट सोडियम की जो वैलेंसी है वो वन होती है और सी ओ थ्री की वैलेंसी जो है टू नेगेटिव होती है नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो फॉमूला है वो हमें मिलेगा एन ए टू सी ओ थ्री डेट इज सोडियम कार्बोनेट नेक्स्ट वन इज द एल्मीनियम सल्फेट अल्मीनियम की जो वैलेंसी होती है थ्री पॉजिटिव होती है और एसओ फोर की टू नेगेटिव वैलेंसी होती है नाउ ए एल टू ब्रैकेट एसओ फोर ब्रैकेट क्लोज थ्री नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी टू पॉजिटिव है और ओ OH एच की वैलेंसी वन है तो इसका फॉर्मूला सी ए ब्रैकेट ओ एच ब्रैकेट क्लोज टू हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द मोल कॉन्सेप्ट अ ग्रुप ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स दैट इज एटम्स मोलिक्यूल्स और आयस ऑफ अ सप्टानस इज कोल्ड अ मोल ऑफ दैट नाउ किसी सप्टानस में अगर हम सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज पावर थ्री पार्टिकल्स एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयंस को लेते हैं तो वो उसका वन मोल कहलाता है डैट मीन्स वन मोल ऑफ एटम एक मोल ऑफ एटम्स में 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिज पावर ट्वेंटी एटम्स आएंगे। अगर हम एक मोल एटम्स ले रहे हैं तो उसमें कितने एटम्स आएंगे 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिज पावर ट्वेंटी एटम्स ये बहुत ज़्यादा होंगे ठीक है वैसे ही वन मोल ऑफ द मोलिक्यूल्स में अगर हम एक मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उसमें सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज पावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स आएंगे हम एक डज़न बनाना लेने जाएं तो हमारे पास कितने एक डज़न में कितने बनानाज आते हैं ट्वेल्व बनानाज आते हैं तो उसी तरह से एक डजन जो है वो वन मोल ऑफ एटम्स को हम ले सकते हैं और उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिज पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स हेयर इज द एग्जाम्पल वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के ऐटम आएंगे तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिज पावर ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजन आते हैं नाउ जो वैल्यू ये होती है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिज पावर ट्वेंटी थ्री इट इज नोन एज द एवगड्रोस नंबर और इसको हम कैपिटल एल लेटर से डिनोट करते हैं नाउ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज़ ए मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के वन मोल ऑफ एटम्स का जो मास होता है वो उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलर मास द मोलर मास ऑफ ए सब्सटांस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटांस जो मोलर मास होता है किसी सब्सटांस का वो उसके मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटांस के बराबर होता है इट इज इक्वल टू द 6.022 10 रेस्पोवर 23 एटम्स ऑफ डैट एलिमेंट और सब्सटांस फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यू आपको पता है हाइड्रोजन का एटोमिक मास कितना होता है वन यू इसका मोलर मास जो है वन ग्राम अपॉन मोल हो जाएगा नाउ एटोमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन इज फोर्टीन यू जो नाइट्रोजन का एटोमिक मास होता है वो फोर्टीन यू होता है मोलर मास होगा वो होगा फोर्टीन ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ द सल्फर इज ऑफ़ एट थर्टी टू इंटू एट दैट इज टू फिफ्टी सिक्स ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड मास ऑफ द हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ द क्लोरीन तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो वन होता है क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो हमें जो इसका मोलर मास है वो मिलेगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इफ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शेयर एंड लाइक इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल अकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो जय हिंद जय भारत